लोग जो हड़ताल पे जाएंगे उनके पर काटे जाएंगे। बिल्कुल उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो चोर किसी घर में घुसने की कोशिश करता है उसके साथ किया जाएगा। हमें प्रॉब्लम यह हुआ है कि स्ट्रेट स्ट्रेट गोली चलाई गई है रेंजर्स की तरफ से। रेंजर्स के लोग जो थे उन्होंने मुंह पे मास्क पहना, लोगों ने उसकी मूवीज बनाई है, हमारे सामने उन्होंने इस तरीके से स्ट्रेट गोली चलाई है, हमारे दो मुलाजमीन शहीद हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराज़ी, प्रोग्राम है हम देखेंगे। और हमने आज दिन भर देखा जिस तरह से जमहूरियत के अंदर नहीं होना चाहिए था वो हुआ। कराची में एहतजाज था, बताया जाता है कि पुरअमन एहतजाज था, उसके बाद अचानक लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस फेंका गया, वाटर कैनन फेंके गए और उसके बाद फिर गोली चली। गोली के नतीजे में दो मासूम और बेगुनाह लोग जो हैं, जो कि मुलाजिम थे और उनका सिर्फ़ और सिर्फ पेशा जो था वो PIA का के अंदर नौकरी था, वो अपनी जान से गए। तीसरे की हालत क्रिटिकल है और कहा जा रहा है कि वो भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। इस वक्त जो गैर सरकारी या जो गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं उनके मुताबिक 29 के करीब शदीद जख्मी हैं जो कि इस फायरिंग के नतीजे में सामने आए। किसने गोली चलाई, क्या गोली चलाई, क्या PMLN हुकूमत के खिलाफ एक और साजिश का आगाज हो चुका या नहीं हुआ, या PMLN ने खुद अपने हाथों इस साजिश को जन्म दिया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आज उठाया जा रहा है। इसी के साथ साथ खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कुछ अहम ऐलानात किए हैं। उन्होंने कहा है कि कंटेनर 2 की बारी अब आया ही चाहती है और 6 तारीख को यानी अब से 4-5 दिन के बाद मुल्क गिर हड़ताल का एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। सूरत हाल किधर जाएगी, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बहरान को जन्म दिया है या बहरान से निमटने की सलाहियत मौजूद नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, जाहिर है कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि क्राइसिस हो, क्या उसको निष्कारी करना चाहिए, जो कि बेसिक और बुनियादी इशू है इस वक्त का, उसके ऊपर भी बात होगी आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं वजीर निचकारी जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, PMLN से ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। उनके साथ है जनाब कमर जबान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, साबिक वफाकी वजीर रहे और कई अहदों पर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ है जनाब नईमुल हक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं और सीनियर तरीन जो अरकीन है, रहनुमा है PMLN के, उनमें से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी भी PTI के, सॉरी बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिल्कुल ये तो गलती मैंने तस्लीम की, क्या हुकूमत भी अपनी गलती तस्लीम करेगी सर के नहीं, कौन सी गलती जो आज हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है आपने बड़ा अच्छा एक इंट्रोडक्शन में कहा था दो बुनियादी चीज़ें और वो हम थोड़ा सा वो इसमें आके वो इशू को वो कर देते हैं बिकॉज ये मौका होता है आवाम को समझने का। तो एक तो आज के हालात हैं और एक ओवरऑल निचकारी के हवाले से कि क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हमारा मौकफ़ क्या है, ये जो 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 सिलसिला जहाँ तक ये पहुँचा है, ये क्यों पहुँचा, क्या मराहिल थे जिससे हुकूमत और एम्प्लॉज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या अपोजिशन जमातें हैं वो पिछले चंद माह से उसके क्या होता आएंगे जुबैर साहब, लेकिन आज जो हुआ है जी जी बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। पहली बात तो ये है कि कोई भी इशू हो, जितना भी सख्त तरीन इशू हो, गोली नहीं चलनी चाहिए, ये तो मेरा ख्याल है हमारा एक, इस पर तो सब एग्री करते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, वो कई दफ़ा लोग रिएक्ट कर जाते हैं कि कबल इस वक्त है कि जी उधर जाहिर है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो थी उसमें पुलिस भी शामिल थी, रेंजर्स भी शामिल थी। मैंने पुलिस का मौक़िफ़ सुना है, हमने जो थोड़ा बहुत आज समझने की कोशिश की है तो ऐसा महसूस होता है, बट मैं 100% यकीन के साथ नहीं कह सकता, ऐसा महसूस होता है कि शायद गोली कहीं और से चली है। तो अब वो जाहिर है थोड़ा सा तहकीकात हो कि मेरा ख्याल है सिंध की हुकूमत भी तहकीकात करनी, जुडिशियल कमीशन का इंक्वायरी का ऐलान कर दिया और फौरी तौर पर बिल्कुल होना चाहिए। कायरा साहब, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई और इसके मकासद क्या हो सकते हैं, क्या एक और सानिया है, मॉडल टाउन बनने जा रहा है पाकिस्तान? बन चुका है, बनने क्या जा रहा है। देखिए, गुजारिश है आसमा के कराची में जो कुछ हुआ, PIA के एम्प्लाइज की डिमांड क्या थी उसके ऊपर तो अलग बहस है। उन्होंने अपना एक डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज किया,
ये वैसे ही हुआ जिस तरह पहले गवर्नमेंट कह रही थी कि हम पीआईओ को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, फिर अचानक पता चला रातों रात को ऑर्डिनेंस आ गया, फिर रात को दफ्तर खुलवा के कंपनी रजिस्टर हो गई है, फिर वो अचानक पता चला कि अच्छा जी नहीं हम इसको सेल नहीं कर रहे हैं, हम इसको प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक सेल होने लगी है, कुछ 26% शेयर है, फिर पता चला नहीं नहीं IMF के साथ कुछ मुआहदे हो चुके हैं पहले ही। सो बहुत सारी बातें थी जो मुख्तलिफ वज़रा ने, ज़ुबैर साहब ने कुछ कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ कहा, बाकी जो वज़रा आके मीडिया में बैठते रहे उनके बयान बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे। PIA के एम्प्लाइज ने एक हड़ताल की कॉल दे दी, हड़ताल एक जमहूरी हक है, उसके ऊपर आपने खसूसी कवानीन का नफाज कर दिया, और कल परवेज रशीद साहब ने डंके की चोट पे कह दिया कि अब जिसने हरकत की जो हिलेगा उसके पर काट दिए जाएंगे, जो कुछ का आपने सुना दिया, उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत रहती नहीं है। गवर्नमेंट का एक स्टाइल यह है, मुस्लिम लीग का, कि ये डिनायल मोड में होते हैं, बंदे मर गए 14 या 13 मॉडल टाउन में, 80 बंदे जख्मी हो गए बुलेट फायर से, कहा जी हमें पता नहीं कहां से गोली चली, पुलिस ने तो गोली चलाई नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, भाई किसने किया है। फिर बाद में पता चला कि अच्छा जी 2-3 पुलिस वालों ने किया, फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं मैं, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो उधर बैठा हुआ था, ताकत का इजहार है। फैसलाबाद में लोगों ने लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस निकाला, घरों में घुस के पुलिस ने औरतों को बाहर निकाल के मारा, लाठी चार्ज करके मॉडल टाउन उधर जो टाउनशिप में वहां लोगों पर ब्रूटली किया, नर्सों ने जुलूस निकाला अपने हक के लिए उनको मारा। ये तशद्दद का जो आंसर है ये मुस्लिम लीग का एक खास हथियार है। क्यों, और कहते क्यों, बिल्कुल आप देखिए मैं बताने लगा हूं, हाँ मैं बताने, असल में इनका मसला ये है, करना क्या चाहते हैं, ये ताकत के जोर पे हर चीज को दबा देना चाहता है। ओ भाई अगर आप, मैं बताने लगा हूं, आसमान एक बड़ी सिंपल बात है, आसमान ऐसा हक में इनके, इन्हीं के हक में तो जाता है, ये गुल्लू भट्टो की पॉलिटिक्स किसकी है, इन्हीं की पॉलिटिक्स और किसकी है, ये गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स और किसकी है। एक छोटी सी बात मुझे कह लेने दीजिए आसमान, बात यह है कि जो कुछ वहां पे हुआ वो सिर्फ अनफॉर्चुनेट नहीं है, इट्स ए प्लान थिंग, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अभी 92 ने एक्सक्लूसिव फुटेज भी चलाई है, ये कहना कि चाहेंगे कि वो दिखाई भी जाए, अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब सुन रहे हैं तो अगर वो दिखा दे तो नईमुल हक साहब के साथ हम एनालाइज भी कर लेते हैं। नईमुल हक साहब या अपने पैनल के साथ, नईमुल हक साहब आप क्या समझते हैं, ये किसी साजिश की इब्तदा है? देखिए मुझे तश्वीश इस बात की है और मैं कायरा साहब की बात से पूरा इत्तफाक करता हूँ कि जब गोली चलाती है पुलिस, चाहे मॉडल टाउन हो या आज कराची का सानहा हो, उसको इजाज़त लेनी पड़ती है बहुत ही सीनियर लेवल पे, और मुझे यकीन है कि आज हुकूमत की जानिब से हमें नजर ही नहीं आ रही थी पुलिस नहीं, मगर अगर रेंजर भी थे, और रेंजर्स का मुझे अफसोस साथ कहना पड़ता है कि आज के बाद रेंजर्स की कराची में जो मकबूलियत है उसमें वाज़े तौर पर कमी आएगी। सवाल ये पैदा होता है फेडरल गवर्नमेंट में वजीर जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं चौधरी निसार साहब, वो इसके इंचार्ज हैं, और मुझे यकीन है कि ये अहकामात या ये इजाज़त या ये लचक होती है कि भाई हाँ अगर ज़रूरत पड़े तो आप गोली चला दीजिएगा, ये उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी गोली चलाने की, मॉडल टाउन में कोई जरूरत नहीं गोली चलाने की। यानी आपका ख्याल है कि चौधरी निसार अली खान की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के बाद ये गोली चली और रेंजर्स ने चलाई? जो अहदाफ होते हैं पुलिस एक्शन या रेंजर्स एक्शन के अहदाफ जो होते हैं वो मुकर्रर किए जाते हैं, यानी यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, कि हाँ भाई अगर जरूरत पड़े तो चला देना गोली, या प्रोविंस में ही होता है कि चीफ मिनिस्टर साहब रिस्पांसिबल। मगर रेंजर्स तो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं चलाई, तो जो फुटेज हमने थोड़ी पहले टीवी पे देखी है उसमें भी की जरूरत है, और बड़ी खुशी की बात है कि ये आज एक तहकीकाती कमीशन हुकूमत की जानिब से, मतलब सूबाई हुकूमत की जानिब से हमने आया इसकी। अच्छा आप जरा देख भी लीजिए कायरे साहब, ये स्क्रीन पे फुटेज आ रही है, अगर आप देखें ये तो अभी ये रेंजर्स के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, उसके बाद ये देखिए ये कैमरा अंदर को जा रहा है, और उसके बाद एक शख्स गिरता हुआ दिखाई देता है और उसको फिर उठाया जाता है, तो ये जो फुटेज नजर आ रही है इसमें तो लगता है कि किसी ने इस मौके से फायदा उठाया, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। बाय द वे सुहेल बलोच कह रहे हैं मेरी आंखों के सामने रेंजर्स ने गोली चलाई है और उसने फिर बाद में मास्क उसने पहना रेंजर्स, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये एक सिविलियन हुकूमत, एक डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत है, अगर वो अपने लोगों को मारने की
इस तरीके से कहेगी। भुट्टो साहब ने सन 77 में माल रोड लाहौर में गोली चलाई थी, 5 लोग हलाक हुए थे, उसके 2 महीने बाद वो फारिग हो गए थे। आज मियां साहब ने वैसे कहा है कि भुट्टो साहब ने भी तो पाबंदी लगाई थी यूनियंस पे, अगर हमने लगा दी गोली चली थी, अगर हमने चला तो क्या एक असूल मैं आपके पास एक पहली बात ये कि तीन एक तरफ हैं, इनको सबसे ज्यादा टाइम दिया जा रहा है। एक सेकंड, मैं बिल्कुल एहतजाज करूंगा टाइम सबको सेम दें। हां मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन आ रही है जब मुझे अगर 1 मिनट देते हैं मेरी बारी नहीं नहीं आप और आप कार्ड के आगे जाती हैं तो उन्हें 3 मिनट ना दें। ये हुकूमत का दबाव का स्टाइल है, आपको दबा के आप टाइम दे दो, आप टाइम दे दो, मुझे उतना ही दें जितना बाकी दोनों को। नहीं आपको मिल रहा है, आपका इलाज किया हुआ है, आप बोलिए तो आपका वैसे बड़ा इलाज किया हुआ है ना, इनको बड़ी जांच है कैसे करना है आपका इलाज। ठीक नहीं नहीं बिल्कुल इसमें मीडिया मैनेजमेंट क्या अनफेयर बात की है मैंने। नहीं नहीं आप मैंने कहा अभी आप देखिए आपका जितना आप मुझे 1.5 मिनट दें इनको 1.5 से 1 मिनट ज्यादा 1 सेकंड ज्यादा ना दें। प्रोग्राम शुरू हुआ है सर, पूरे प्रोग्राम में आपको सबसे ज्यादा वक्त मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप जवाब दें, इधर सवाल इधर स्टॉप बात रखे लगा के फेस करना पड़ेगा। इत्तेजाज खत्म करके बात करें, स्टॉप बात रखे जी। ठीक है जी, क्या पूछ रहे हैं? यही जो जो उन्होंने कहा है उनका जवाब पहली बात कि ये एक तो देखें, पहली बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में अब नंबर 2 की जंग शुरू हो गई है। नंबर 2 का मतलब समझे? नहीं नहीं, नंबर 2 का मतलब यह है कि PMLN तो जाहिर सी बात है सबसे आगे, एक सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, उसका तो इन सबको पता चल चुका है कि कोई मुकाबला नहीं है, सियासी मुकाबला नहीं है। अब आप खुद फुटेज भी दिखा रही है, सुन तो लें, मैं तो रीजन बता रहा हूँ ना ये क्यों बात कर रहे हैं। इसमें सब इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को क्या फायदा है आज के इंसिडेंट से? क्या फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मॉडल टाउन में भी कोई फायदा नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई सेंस नहीं है। और जो आपने दिखाया है अभी, जो एक मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, देखता हूँ कि वो गोली अगर बाहर से आ रही होती तो वो बाहर वालों को लगती, अंदर वाले शख्स को ना लगती। दो लोगों पहले को बात लगी, एक के लेकिन, सीने में, लेकिन एक के पेट में। अगर अगर पुलिस की तरफ से, अगर रेंजर्स की तरफ से तो बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं कह रहा, डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन पहले कंडेम करना तो लेट्स वेट फॉर द थिंग। सिंध की हकूमत के अंडर ये ना तहकीकात यही करवा रहे हैं ना, और ये करवा के उसको सिंध की गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। नहीं नहीं, जुडिशियल कमीशन कौन लगा रहा है? जुडिशियल कमीशन कौन लगा रहा है? तो उसने करना है ना। हां तो सिंध हुकूमत, हम कह रहे हैं ना, हम तो वेलकम कर रहे हैं कि जहां तक रेंजर्स का ताल्लुक है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो अंडर नहीं। और ये नईमुल्लाह साहब ने कहा है कि रेंजर्स, सुन तो लें जी, तहकीकात वो कर रहे हैं। अगर वो तहकीकात के बाद ये कहती है जुडिशियल कमीशन कि चूंकि रेंजर्स हमारे अंडर नहीं है और लगता ही है कि रेंजर्स ने मारा है तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे, तो फिर बात समझ आएगी। लेकिन अगर उनके कंक्लूजन कुछ और होता है तो फिर लेट्स वेट ना। सिंध की हम तो नहीं रोक रहे हैं, ना हमारी हुकूमत है वहां, ना पुलिस हमारे अंडर है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने कैसा ब्रेक लेनी है। और छोटी सी बात करनी है, देखिए पहली बात तो ये है कि रेंजर्स को इस बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। रेंजर्स बदनाम होते बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया कराची में, और वो अपना असल टारगेट अगर आप खराब करेंगे और पब्लिक सिंपथी उनके साथ नहीं होगी तो जुल्म होगा। अच्छा, इसके ऊपर बात करते हैं, बिल्कुल ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद हम वो फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें रेंजर्स लाठी चार्ज कर रही है, रेंजर्स आंसू गैस फेंक रही है, पुलिस पीछे खड़ी है, तो इसका भी जवाब फेडरल गवर्नमेंट को देना है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जुबैर साहब ने तफसीली बात की कि ये मामला नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था, कि क्या फायदा वैसे कायरा साहब इसको है इनको अगर इस तरह की कोई सूरत हाल सामने आती है? पहली बात तो यह है कि फायरिंग एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, जब कोई क्राउड इतना बेमुहार हो जाए, बिफर जाए, कि प्रॉपर्टियां जलाने लगे, लोग मरने लगे, लोगों की जिंदगी और उनकी असासों को खतरे पैदा हो जाए, तो फिर भी था, उस फिर तो नहीं, उसके लिए नहीं। उसके लिए भी पहले हवाई फायरिंग होती है, फिर टांगों में फायरिंग होती है, या सीनों में गोलियां मारना या सर में गोलियां मारना, ये मुस्लिम लीग की हुकूमत का कमाल है, ये मरवाते हैं। और ये बात याद रखिए कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था और मॉडल टाउन में भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल। ये बात, फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब खुद हमारे खिलाफ जुलूस निकलवाते थे तो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व होता था ना। सारे शहरों में अपने MPAs MNAs को हुक्म दिया हुआ था, DCOs DPOs को हुक्म था कि मैं जुलूस निकलवाओ, और उनकी क्यादत में जुलूस निकलते थे। इनकी गवर्नमेंट आई, लोड शेडिंग के खिलाफ वो जुलूस निकला पहला फैसलाबाद में, वो फैसलाबाद के जुलूस की फुटेज निकलवाई है। उसी पुलिस ने, लोग तो भेले हुए थे ना पुराने, वो बेचारे उसी चक्कर में पड़ के उन्होंने आके टायर वायर जला के हमारी गवर्नमेंट के जब वक्त में होता था, उस वक्त गवर्नमेंट की ब्लेसिंग होती थी, उस जुलूस को इस कदर बुरी तरह तशद्दुद किया गया, ब्लेटली लोग घरों में गए, पुलिस दाखिल हुई घरों में, और उस पर उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या किया?
एक इंक्वायरी टीम बना के छह बंदों को सस्पेंड कर दिया, वो दस दसवें दिन बहाल हो गए, भूल भुला गए ना। लेकिन एक खौफ का आंसर लोगों के जहनों में बैठ जाए, लाहौर में ये हुआ, बर्डल टाउन में ये हुआ, इसके फायदे ये होते हैं कि लोग टेररिज हो जाएं, हमारे खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने बाहर ना निकले, पता हो कि ये मार देंगे। अच्छा, और कुछ नहीं होगा। आप लोग भी हुकूमत में रहे हैं, सारी निजकारी का आप लोगों ने भी इशू उठाया, हमारे खिलाफ तो एहतजाज होते थे। अच्छा, लेकिन एहतजाजों में हम खुद जाके शामिल हो जाते थे, लोगों का हक होता है। मुल्क साहब, क्यों अगर परवेज रशीद साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करेंगे हम उसके पर काट देंगे, और आज ये वाकया हो जाता है, तो हम ये समझ लें कि हुकूमत इसकी जिम्मेदार है जो उन्होंने कहा, उसके बाद हुकूमत कैसे कह सकते हैं? हुकूमत ही जिम्मेदार है ना यहाँ पे। अगर रेंजर्स आगे थे, पुलिस पीछे थी, तो ये मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखें, हम लोग मैं समझता हूँ कि रियासती तशद्दुद, चाहे वो पुलिस के थाने में, जेल के अंदर गरीब लोगों पर हो, चाहे वो सड़कों पर हो, गलियों में हो, इसको मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ ये ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है, ये हमारे इस्लाम की रूह के खिलाफ है कि तशद्दुद किया जाए किसी पर जबरदस्ती बिला वजह या किसी कोई चीज उगलवाने के लिए, जो हमारे थानों हम इंशाल्लाह अगर हमें मौका दिया कौम ने, हम आके तशद्दुद को इस मुल्क से हमेशा हमेशा रियासती तशद्दुद, चाहे वो पुलिस का हो चाहे और इदारों का, उसको खत्म कर देंगे। इससे कोई मसला हल नहीं होता। सही बात है। अच्छा, वैसे जुबैर साहब, जो नईमुल हक साहब ने कहा, एक तो मुजम्मत आपकी तरफ से अभी आई है, अभी तक किसी की बाजाबता मुजम्मत नहीं आई है। खैर, हम तो इसका फायदा भी कोई नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है, लोग मरते रहे, मुजम्मतें होती रहे, लेकिन बहरहाल बाजाबता मुजम्मत नहीं आई अभी तक। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं हम मजा चखाएंगे, हम ये छोड़ेंगे नहीं। पहले एक तो जाहिर है आपके टॉक शो में आना जाहिर है प्रिविलेज की बात होती है, हालांकि मेरे पास बहुत कम टाइम था और मैं दोपहर को आया था दुबई से, आया मैं फिर से, तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि क्या क्या हालात हुए इन टर्म्स ऑफ मजम्मत एंड सो ऑन, बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो बिल्कुल मैं मजम्मत करूंगा, और बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, इस पर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे आगे जाना चाहता हूँ कि असल मसला जो है, असल मसला फिर रह जाएगा कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसको हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं। एक तो हम जुबैर साहब, हम उस पर जरूर बात करेंगे, मगर देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है, हम उस पर जरूर, हम उस पर आपकी राय दुरुस्त भी हो सकती है, सारी हुकूमतों की राय दुरुस्त हो सकती है, तरीका कार के ऊपर बात हो रही है अभी, तो हम इस ये आसान बात नहीं है, ये साजिश भी हो सकती है। आपकी ये जो आप कह रहे हैं ना कि स्पेशल एक्ट लाया गया, कायरा साहब ने यूनियन पे, पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह कायरा साहब की हुकूमत में 2011 या 2010 में सेम एक्ट लागू किया गया था, जब टर्किश एयरलाइंस के साथ वो कोड शेयरिंग एग्रीमेंट कर रहे थे। बिल्कुल ये यूनियन पे पाबंदी, ये लाजमी एक्ट जो है, यूनियन से नेगोशिएट करके लाजमी एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था, अखबारात आज तमाम अखबारात नेगोशिएट करके अपने अपना मुतालबा उनका मान लिया था। कायरा साहब, आप मुझे कहते हैं कि मैं जवाब खांसा भी ना करूं जब आप बात कर रहे होते, और मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके वो कंसर्न। तो मेरे दूसरी बात यह कि सन 76 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी इसको लाया गया था। तो मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा, लेकिन उसका रीज़न क्या था, देखिए ना, पाकिस्तान के अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत के ऊपर है। जब तक वो स्ट्राइक कर रहे थे हमने कुछ भी नहीं किया, जब उन्होंने कहा फरवरी 2 से जहाज ग्राउंड कर देंगे, तो उस वक्त आपकी हुकूमत, अगर एक तो आपके ज़्यादातर लोग कहते हैं शो योर रिट, हुकूमत को अपनी रिट दिखाने की जरूरत है, कोई दुनिया की हुकूमत ये बैठेगी नहीं कि जी जहाज चल नहीं रहे, सफर कौन करेगा, आज भी सफर कौन कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम सफर कर रहे हैं। हमने कब कहा है कि आप बातचीत ना करें, हमने कब कहा है कि हम, मैंने लाइव टीवी पर फ्राइडे को भी ये कहा, ये आपने सोहेल बलोच, सोहेल साहब हैं, मैंने ये इनको कहा कि आप एक एक मौका तो दें, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मैं आपके साथ बैठूंगा। मगर ये रिट, वाकई वो कह रहे हैं कि कहते हैं हुकूमत की रिट कोई नहीं है, तो फिर अगर वो रिट करते हैं तो फिर इस तरह होता है, फिर कैसे हुकूमत बरकरार रिट जो है ना, जिसका स्टाइल हो ना, उल्टा लटका दूंगा और मैं अंदर दे दूंगा, मतलब गवर्नमेंट का स्टाइल ही है ना, लीडरशिप ही इसी तरह स्टाइल में चल रही है। सवाल यह है भाई, एहतजाज हमारे दौर में भी होते रहे, 5 साल होते रहे, पंजाब गवर्नमेंट के स्पॉन्सर होते रहे, बाकायदा एक जगह हमारे दौर में भी इस्लामाबाद में आए थे, धरने आके हुए थे, कोई क्यामत नहीं आ गई थी, हमने हैंडल किया था उसको, पोलिटिकली हैंडल किया था, और आराम से लोग वापस गए थे, ये भी धरना लेके आए थे और बंदे मरवा के गए थे। सो गुजारिश ये है कि मिजाज देखना होता है किसी गवर्नमेंट का, और यहाँ अलमिया ये है कि बिल्कुल बगैर किसी वजह के आपने लोगों पे गोलियां चला दी हैं, आप उनको
लाठीचार्ज कर सकते थे, आप उनको किसी और तरीके से कर सकते थे, फोर्स आपके पास मौजूद है। लेकिन सबसे खौफनाक बात जो है ना आसमान, वो ये है कि रेंजर्स का कराची ऑपरेशन में बड़ा कलीदी किरदार रहा। अब उनको जैसे और जैसे उनको जिस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं आप उसको जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आज रेंजर्स के इस इमेज को खुदारा फिर कल हमारे ऊपर इल्जाम लगेगा। इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इनके वजीरों को सोचना चाहिए। अगर अगर वफाकी वजीर कहता है पर काट देंगे हम, सब सिखा देंगे हम, कंटिन्यू रखेंगे, और आप फेडरल फोर्स को वहां उनकी मौजूदगी में बंदे मरते हैं, तो क्या उसको उसको नेकनामी दे रहे हैं आप? ये व्हाट नेक्स्ट, मतलब अभी कंटेनर टू की बात हुई है, आपने परवेज रशीद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने भी ऐलान किया है कि हम एहतजाज करेंगे, तो ये आपको लगता है कि ये मामला बहुत आगे तक जाएगा? देखें, ये असल में हुकूमत की बेहसी और बेबसी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि अगर वो सिर्फ गोलियां और वो भी सीने पे गोलियां मारने पे मजबूर हो जाए एक मसले को हल करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो अखलाकी तौर पर और नजरियाती तौर पर दिवालिया हो चुकी है, उसके पास शायद इस मसले का और कोई हल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त होना ये चाहिए था, और मैं समझता हूँ ज़ुबैर एक बेहतरीन आदमी है। ज़ुबैर के पास अगर उनके यूनियन के तमाम नुमाइंदे आके दिन रात बैठते, तो मामला हल हो जाता है। होती है एजिटेशन का एक डायलॉग है, एक एलिमेंट होता है, मगर अगर ये एक दो कदम आगे बढ़कर उनको गले लगाकर अपने पास बिठाकर तमाम चीजें एक्सप्लेन करते तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। मगर इन्होंने बहुत जल्द, जैसा कि अपने परवेज रशीद साहब ने बर काटने की धमकी दे दी वगैरह वगैरह, बहुत जल्द एक बहुत ही हॉस्टाइल जमहूरियतों में ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता, नहीं होता, वो भी अफोर्ड नहीं कर होता। और फिर जैसा कि कायर साहब ने कहा कि भाई आप लाठी चार्ज हो सकता है आप अरेस्ट करके ट्रक में डाल के जेल में ले जाएं वगैरह वगैरह, गोली मारना हमारे और आप बंदूकें वहां लेके जाना ऐसे लोगों को जो पीआईए के कौमी इदारे, लेकिन ये साजिश भी तो उनकी हुकूमत के खिलाफ हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो इब्तिदा है किसी और साथ। मुझे मुझे सवाल मुझ पे हुआ कि जी हमारे दौर में हमने टर्किश एयरलाइन को रूट देने पे हमने ये फैसला, यूनियन बाजी पे पाबंदी लगाई। मैं वाजे करना चाहता हूँ कि यूनियन के साथ नेगोशिएट किया था और हमने कोई तशद्दुद नहीं किया था, विड्रॉ किया था, हमारे बाद आपने इत्तेहाद के साथ आके किया। ठीक, हमारा रूट शेयरिंग होता तो बेहतर होता, आपने इत्तेहाद के साथ करके बर्बादी की। मतलब आप जैसे जो मामला फहम लोग हैं वो इस मसले को हल कर सकते थे, किसने सुबह ऑर्डर्स किए कि रेंजर्स जो है वो लाठी चार्ज करें जब वो पूरे तरीके से आ रहे थे? एक आप मेरे से वो सवाल पूछिए जिसका मैंने कहा कि मैं दोपहर को आया हूं और मैं नॉट प्राइवेट टू ऑल द इंफॉर्मेशन, अगर शायद कल आप मुझे दोबारा बुलाएं तो मैं बता सकूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो कहना कि ये मौका नहीं दिया, और ये नईमुल हक साहब ने भी कहा, हमने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की, और मैं हर लाइव शो में उनको ये कहता था, हर लाइव शो में, लास्ट मैं बिफोर आई फ्लू टू दुबई, ये सुहेल साहब से आप पूछ लें, मैंने एक्सप्रेस टीवी पर ये कहा कि चलें जो भी झगड़ा है, आप कहते हैं जल्दबाजी में किया, हम नहीं कर रहे जल्दबाजी में, आप हमारे साथ, मैं ऑफर कर रहा हूं, ठीक, आप हमारे साथ, हमें आप कन्विंस करते हैं या हम आपको कन्विंस कर देंगे। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसमें पीटीआई भी मौजूद थी, उसमें भी हमारा नुक्ते नजर ये था कि अगर हमारी नजर में ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हल है, आपकी नजर में कोई और हल है तो आप जरूर बताएं, लेकिन स्टेटस को नहीं, क्योंकि ये जमाते हैं स्टेटस को की बातें, तो हमें कहते हैं स्टेटस को यही होता है कि चेंज नथिंग। अच्छा, आमिर हाशमी साहब है, उनसे पूछ लेते हैं, प्रेसिडेंट पालपा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वालेकुम सलाम जी। हाशमी साहब, जुबैर साहब ये कहते कि हम मामले का हल करना चाहते थे और बातचीत भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, लेकिन चाहते हैं, लेकिन हुआ नहीं, आप लोगों ने सुना नहीं, और आपके दो साथियों की आज जो है वो जान चली गई। क्या इस वक्त क्या स्टेटस है, इससे पहले क्या सूरत हाल थी? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली जो आउटकम होता है किसी चीज का भी, उसका मुद्दा किसी और पे डाल दिया जाता है, आज भी वही सिचुएशन है। अब जुबैर साहब से माशाल्लाह, मैं ना तो मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ ना किसी को क्रिटिसाइज ऐसे करता हूँ, लेकिन जुबैर साहब से काफी मुनाजरे हो चुके हैं दूसरे डिफरेंट चैनल पे, अभी भी वो एक बीबीसी के चैनल पे थे। बात ये है कि इनवेरिएबली ये कहा जाता है कि कभी तो हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, वेरियस प्रोग्राम्स मे बी बी हैविंग क्लिपिंग जिसमें गवर्नमेंट ने कहा हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, दूसरे दिन वो कहते हैं कि प्राइवेटाइज हो रही है, किसी दिन कहते हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दे हैव टू डिसाइड एंड स्पीक द ट्रुथ। अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो
ऐसे ही वाकयात रोज होते रहेंगे। जैसे कि हमारे अपने कुछ एग्रीमेंट्स थे, जब चेयरमैन साहब का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, वो कहते हैं हाँ जी एग्रीमेंट है, दे शुड बी फॉलोड, रिस्पेक्टेड। जिस दिन वो चेयरमैन अपॉइंट हो गए वो दिन है और आज का दिन है, वो मानते ही नहीं है उस एग्रीमेंट को। इसी तरह ये आज अच्छा मैं हाशमी साहब आपको एक सेकेंड के लिए इंटरप्ट करूंगी, अभी हमें स्टेटस बता दिया जाए हाशमी साहब समेत हम पूरी आवाम और सब जानना चाहते हैं स्टेटस क्या है, निचकारी होनी है। पहली बात तो ये हाशमी साहब को भी माजरत के साथ एग्जैक्टली हमने ये कहा, देखें हम क्या करने जा रहे हैं, 26% शेयर पीआईए के हम एक ऐसे किसी भी पार्टी को, चाहे वो एयरलाइन हो चाहे जो भी है, उसको बेचना चाहते हैं, जो के आके इसमें अंडर एन इन्वेस्टमेंट प्लान 5 साल का कि जी वो कैसे फ्लीट को बढ़ाएगा, कौन से जहाज नहीं बेचना, सुन हम नहीं बेच, नहीं 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 ये मैं वजाहत कर रहा हूँ, हाशमी साहब को भी ये पता है। उसको हम इसलिए कहते हैं निचकारी से, हम जब एक तो मैक्रो लव्स उसका निचकारी, हम सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कहते हैं कि ये क्लासिक प्राइवेटाइजेशन नहीं है। क्लासिक प्राइवेटाइजेशन वो होती है जिसमें हुकूमत बेच के और अपना पैसा लेके बाहर निकल जाती है, हुकूमत मेजॉरिटी शेयर होल्डर। इसमें कौन सी चीज मैंने कहा है जो हाशमी साहब को कंफ्यूजन है मुझे, कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर हुकूमत रहेगी, 26% हम शेयर देंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लेके आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ये इसको आप जो मर्जी कह ले, इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये हुकूमत का अगर ये मौकफ है तो आपको इस पे एतराज है कि निचकारी होनी ही नहीं चाहिए, तो फिर नहीं मुझे निचकारी छोड़ देना, 26% शेयर की बात कर, 26% ही रहेगा तो मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, गवर्नमेंट के प्रॉफिट है। आज मैं आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ कि हम 26% ही रहेगा, आज करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इजाजत मांग रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा लाइव प्रोग्राम में आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको। नहीं नहीं आप जरूर बताइएगा, बट हाशमी साहब वो कह रहे हैं मैं मानता हूँ आपकी, 26 अभी भी रिक्वेस्ट करने वाले, मैं बता दो 26 अभी भी रिक्वेस्ट करो। अच्छा कायरा साहब माजरत के साथ मैं टाइम ले रहा हूं जी। अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मैं ये कहेंगे मैं कराची आ जाऊंगा, ये कहेंगे इस्लामाबाद, हम अच्छे माहौल में ये मुझे कन्विंस कर दें, मैं वजीर आजम को जाके कोई ईगो इशू नहीं है, हमें कोई आईएमएफ का प्रेशर नहीं है, हम जाके मैं सबसे पहले कहूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी और ये भी पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हैं लाजमन, ये पीआईए अच्छा की बेहतरी, और सबसे बढ़कर सबसे बढ़कर 20% अगर आप मानते हैं तो फिर इस पे बात करने को तैयार है, आप क्या कहते हैं हाशमी साहब? बात ये है कि देखें कुछ गवर्नमेंट स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एजुकेशन हो गया, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट, रेलवे हो गया, वो तो शुक्र करें कि वो अंग्रेज आके रेलवे लाइन बना नहीं, तो हाशमी साहब वो ठीक है, लेकिन आप वो ये कह रहे हैं कि 26% के ऊपर अगर आप तैयार हैं तो हम बात करने को तैयार हैं, बात तो मैं वैसे हर सूरत में करने के लिए तैयार हूं। अगर ये कोई गारंटी, देखें नॉर्मली ये होता ही है कि अभी मुझे जो 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है बाय द टाइम आई बीन पैल्पा प्रेसिडेंट, अनफॉर्चुनेटली इन वेस्टर्न वर्ल्ड अगर एक भी आप अपने आप बयान से फिरते हैं और कोई आपको एक्यूज करता है तो वहाँ वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा नहीं डिस्कशन मीटिंग में सब तय होते हैं, मैं बताता हूँ, हो रहे हैं 26% पे वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई एतराज नहीं तो बात करनी है, हम सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं। पाल्पा एक स्टेक होल्डर है, पाल्पा टोटल स्टेक होल्डर नहीं है, किसी भी है, एग्जैक्टली उसी गुजारिश कर दूं कायर साहब, मैं ब्रेक के बाद ये ले लूं आपसे पॉइंट, हाशमी साहब हमारे साथ है ब्रेक के बाद हम इस पे बात कर ले, हाशमी साहब प्लीज आप हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम फौरी तौर पर वापस आएंगे, कायर साहब से पूछेंगे 26% में क्या प्रॉब्लम, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक में भी ये निगोसिएशन चलती रही है जो भी इस वक्त हाशमी साहब भी हमारे साथ फोन पे मौजूद है। कायरा साहब ये 26% वाला क्या सीन है, क्योंकि वो भी रेडी है अभी नईमुल हक साहब से पूछेंगे, वो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बात करेंगे। देखिए आसमा, ये जो प्राइवेटाइजेशन का कानून चला ना जी, इसके बहुत सारे रंग बने थे, एक है एब्सोल्यूट प्राइवेटाइजेशन के टोटल स्टेट डिसइन्वेस्ट कर लेती है, एक आपने स्ट्रेटेजिक सेल के नाम से एक नया ड्रामा शुरू हो गया है, ये हम पीटीसीएल में पहले देख चुके हैं, पाकिस्तान भुगत चुका है, और अभी तक 80 अरब रुपया वो नहीं दे रहे पाकिस्तान का, बिल्कुल ठीक, $800 मिलियन इट मे बी मोर देन दैट, और 26% के साथ
पाकिस्तान ने क्या लिया, पाकिस्तान का शेयर कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है, और जितने बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जितने बड़े लेवल पे वहां पे ग्रेट ट्रैफिकिंग का काम हुआ है, कारोबार हुआ है, आपको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कितने इसमें माल बनाए हैं। तीसरी गुजारिश ये है कि 26% शेयर के साथ आपने मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दी। वैसे 26% वालों का बंदा आ गया है, वो PIA में आके बैठ गया है, उसको वो जो जर्मन इन्होंने बंदा अपॉइंट किया है वो बंदा वहाँ रिसीवर बैठ गया। वो कौन है वो, उसका नाम मुझे याद नहीं आता, वो बंदा कोई आ गया बैठ के। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिए, किसको बेचा है, मतलब बेचना है जिसको, जिसका बंदा पहले एडवांस में आता है ना, अच्छा, उसका बंदा आके बैठ गया ये अच्छा है। रिसीवर हाँ, अगर नहीं आया तो बात करो। दूसरी बात यह है कि HBL हाँ कर दिया, अगर नहीं है तो बात करें। मैं कोई ये नहीं कर रहा, हवा में नहीं उड़ा रहा, वो बंदा अपॉइंट मुझे पता है, आपसे ज्यादा शायद पता है थोड़ा। अच्छा, आप तस्दीक कर रहे हो? यकीनन पता है, नहीं मतलब अच्छा। किसी को MD लगाए तो आप क्या बताते, वो एडवांस में बंदा आ गया। मैं बताता हूं अर्ज ये है, HBL के शेयर आपने बेचे, उसके बाद वो बहुत सस्ते दामों में बेचे, और फिर आपने दोबारा अगले दामों पर आपने फिर मार्केट के जरिए शेयर बेचने शुरू कर दिए। UBL के आपने शेयर बेचे और कहा ये कि हम जी पोर्शन बेच रहे हैं, और ये एक नया तरीका है। अच्छा चले, है वही, है वही कि आपने स्टेट ने डिसइन्वेस्ट करना है, लेकिन उसका स्टेट को नुकसान है। अगर PIA की निचकारी हो जाती है तो क्या नुकसान है, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए मैं खुद मैं एक एयरलाइन चला चुका हूँ, प्राइवेट एयरलाइन, मुझे तजुर्बा है इन चीजों का थोड़ा बहुत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन या सो कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन का जो प्रपोजल है, ये बेहतर तरीके से PIA के एम्प्लॉयज को पेश किया जा सकता था, और मोहम्मद जुबैर में इस बात की अहलियत मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इसको सियासी रंग देकर हुकूमत ने अपनी गलत तरजीहात को आगे लाकर, आप निजकारी के खिलाफ है या निजकारी के हक में है? कई इदारे ऐसे हैं जिनकी निजकारी में मुल्क को फायदा पहुंचेगा, कई इदारे हैं जिनकी निजकारी से मुल्क को फायदा नहीं। निजकारी से मैं जो समझता हूं वो ये है कि अगर आप 50% से ज्यादा अगर आप बेच दें, यानी हुकूमत अपने शेयर को प्राइवेटाइज कर दे, किसी को बेच दे, 50% से ज्यादा कंट्रोल खत्म हो जाए, वो होती है निजकारी। पाकिस्तान की कोई निजकारी प्रॉफिटेबल रही उसका मुझे बता दे। बता देता हूँ, बता दे, टाइम दे दे मुझे, पूछिएगा कोई प्राइवेटाइजेशन, मैं बता देता हूँ, बहुत है। देखिए मेरा है फाइनेंस का तजुर्बा, मैं समझता हूँ कि कई इदारे ऐसे हैं, मैं समझता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे यकीन है कि PIA को मुनाफा बख्श एक इदारा बनाया जा सकता है। यस, और मैं अगर आप एक प्रोग्राम सरकारी सत्ता पे, अगर ये सरकारी तहरीक में रहे तो बहुत ये प्रॉफिट बन सकता है। अच्छा अच्छा हाशमी साहब, अब ये तो हम पूछेंगे आपसे कि ये क्या 26% पे है या नहीं है, लेकिन हाशमी साहब क्या हर्ज है अगर हुकूमत ये कहती है कि हम निचकारी के लिए तैयार है, क्योंकि PIA की हालत तो खराब हो चुकी है, ये तो सबको पता है ना। देखें जी, दो सवाल आपने पूछ लिए। बात यह है कि अगर ये हालात खराब हुए हैं तो ये सक्सेसिव गवर्नमेंट के एडवेंचर्स की वजह से हुए हैं। इस एयरलाइन में कोई खराबी नहीं थी, दुनिया की बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें स्टेट ओन्ड एयरलाइन प्रॉफिट में जाती है, क्योंकि इट्स ए नेशनल प्राइड। जैसे मैंने पहले कहा कि स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आपको पता है हमारे लोग वो डिफरेंट कॉर्नर्स में रहते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, वो PIA रिबेटेड टिकट उनको देती है। दिस इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज दे विल बी फीलिंग एलियनेटेड। ये लोग अपने आप को अलहदा फील करेंगे, नॉट एज ए नेशन। अब आ गई आपने बात की 26% के निजकारी अगर उन्होंने करनी है तो दे शुड कम अप विद द मतलब ऑनेस्टली दे शुड से नहीं करने जा रहे हैं, 51% देना चाह रहे हैं। अब ये कौन सी निजकारी हुई कि 26% लोगों वो को एभाम है? नहीं, अभी क्या एभाम है, अभी क्लियर कर दिया। एक तो वो कह रहे उनको एभाम है, उनको एक बात क्लियर कर दे कि आप हाशमी साहब आप 51% की बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट 26% के साथ सारी मैनेजमेंट दे रही है। नहीं, पागल है कोई आके 51% पे पैसे दे? गलत है, आप मुझे पता है सार्केस्टिकली कर रहे हैं। आजा मैं वजाहत कर दूं, पहले तो वजाहत कर दूं हाशमी साहब, नहीं जा रहा हूं, बट आई एम श्योर कि आप जैसा अच्छा हाशमी साहब पहले बात सुन के जाइएगा, हाशमी साहब बात सुन के दो मिनट सुन के जाइए। पहले तो हाशमी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम के बाद या जब भी रात के 12 बजे कल मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करें, हमारी लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, और हम कुछ ना कुछ तय कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स बी फ्रेंड्स। दूसरी बात सर, हाशमी साहब सुन लें, दूसरी बात टाइम अभी
ठीक है, अब तय करते हैं। सुन ले, दूसरी बात यह है कि देखें, बात यह है कि हाशमी साहब ने कहा कि बहुत सी स्टेट एयरलाइंस हैं जो कि मुनाफे में है, मिसाल के तौर पर कतर, मिसाल के तौर पर एमिरेट्स हैं, बिल्कुल है। वहां का सियासी माहौल, वहां का जो जुडिशियल सिस्टम है, वहां यूनियनाइज्ड कोई चीज नहीं होती है। अगर एमिरेट्स में दो लोग सरप्लस होंगे ना, शाम तक फारिग हो जाएंगे। यहाँ एम्स्टर्डम में बैठे दो साल से एक स्टेशन मैनेजर जिसकी फारिग कर चुके हैं, वो स्टे पर है, तो यहाँ का माहौल डिफरेंट है। दूसरी बात ये, इन्होंने ये पूछा था हाशमी साहब, एक सेकंड, एक दूसरा इन्होंने पूछा था कौन सी इदारे हैं जो कि सक्सेसफुल हैं। इदारे, और मैं चैलेंज करता हूँ, सुन लें, एक तो 80 अरब रुपए जो है, 80 अरब रुपए अगर नहीं आए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाअहली की वजह से नहीं आए हैं, क्योंकि एक एग्रीमेंट, सुन ले, एक सुन ले, वो एग्रीमेंट था जिसके तहत 3,500 प्रॉपर्टीज हुकूमत ने ट्रांसफर करनी थी। कोई भी आप घर खरीदेगी, नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो बहुत डिटेल्ड है उसमें। 3,500 में से सवाए 33 के तमाम हमने ट्रांसफर कर दिए। दूसरी बात, एमसीबी वो 80 अरब रुपए ले, नहीं नहीं, वो हम वी आर वेरी क्लोज टू दैट। एमसीबी एक सेकंड किया था, हाँ मैं बता दूं, किसने किया था? मुशर्रफ साहब ने किया था। मुझे क्यों याद है पांच साल इनकी हुकूमत को मिले थे ना, साल आपकी हुकूमत को मिले, साल इन्होंने बता दिया, एक प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर की थी। एमसीबी, यूपीएल, एचबीएल, जो आप ये इदारे पूछे ना, कौन ये नई बैंकिंग जानते हैं, ये इदारों की आप कल बुला लें, बैलेंस शीट लगा दे 2004 की यूपीएल की और 2014 की, 2014 में, 2015 में UBL, HBL, MCB, ABL are not only the classiest banks in Pakistan but as good as any in the world. अच्छा, अब ये चैलेंज हो गया ये। जी, दो बात। अच्छा, जुबैर साहब ने कहा, मैं उनसे लेके आपके पास, मैं हाशमी साहब से ले लूं, उनको जाना है। जी हाशमी साहब, जी, जुबैर साहब ने कहा कि जी दो आदमी होंगे तो एक आदमी की जरूरत है, एक आदमी निकाल दिया जाएगा, वो दो आदमी रखेंगे ही नहीं। अब उनसे पूछें कि ये दो आदमी किसने रखे, और अगर एम्स्टर्डम का वो रिक्वायरमेंट चेंज होती है, हाशमी साहब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था कि वहाँ यूनियनाइज नहीं है, वहाँ स्टेट जो भी करना चाहती है कर सकती है, यूनियन पे आएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप जिस स्टेट में रह रहे, हाशमी साहब ये बात भी गवर्नमेंट को याद रखनी चाहिए कि आप जिस रियासत के अंदर रह रहे हो उसके कल्चर और उसके कानून चल रहे होते हैं उसके मुताबिक चलिए। दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया पीटीसीएल, पीटीसीएल का पैसा हम इसलिए नहीं ले, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इसलिए नहीं ले सके कि पंजाब गवर्नमेंट में मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने वो शेयर ट्रांसफर, वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करने से इनकार किया था। और सिंध की, सुने, सिंध की मैं बताने लगा। अच्छा, चले, ये भी इस पर भी हो गया। अच्छा, हम पूरे 3,500 लेके आएंगे, कायरा साहब भी आ जाए कि सिंध में कितने हुए थे ट्रांसफर। नहीं नहीं, आपको मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा भाई, कर ले आप लाइव को, कर ले जी हाइपर, सिंध की आप बताएं ना कितनी की थी। मुझे दो सवाल उन्होंने किए, सिंध की कितनी हुई थी ट्रांसफर 5 साल में? 5,000। मैं वो बार बताने तो दो, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं बता, बस बयान करने लगा। सिंध गवर्नमेंट ने जिन प्रॉपर्टीज के बारे में कहा, एक बड़ी प्रॉपर्टी जो है वहां पे बहुत बड़ी कॉलोनी बनी है, कुछ कब्जा हुआ हुआ है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी थी, मेजर चंक ही वो है उसका। पंजाब गवर्नमेंट के पास मेजर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई कितनी थी बताएं भाई, मुझे बता देना, एक भी नहीं, एक भी नहीं 5 साल में। अच्छा चले, पंजाब के ऊपर, पंजाब की कौन सी की हुकूमत थी अपनी, मैं बताने लगा, आपके बलूचिस्तान भाई बताएं, मैं पूछने लगा। आपको 7-8 नाम ऐसे दे सकता हूं इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जो प्राइवेटाइजेशन के बाद बंद हो गए, हजारों सैकड़ों हैं। हैदराबाद कारपेट बंद हो गया, जील पार्क ज्यादा खतरनाक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए बात यह है, ये सोवियत निजाम लाना चाहते हैं जो कोलैप्स हो गया था, स्टेट के अंडर सारा कुछ रहे, दुनिया कहीं और जा रही है और ये कहीं और जा रहे हैं। अब ये सुनेंगे, बताने लगा इनको, बताने लगा तो अर्ज यह है भाई, अब आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी है और सबसे बड़े सूबे की हुकूमत भी है, ताकतवर भी आप है, आप बता दीजिए आपने कोई एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई हो। हमने अपने दौर में 30G छोड़ के 3,500 सारी करवा दी, आपने 1,400 आपसे पहले हो चुकी है यार, क्या ऐसे रिकॉर्ड ले आते हैं हम, छोड़ो टाइमिंग के साथ सारे फॉर्म्स, एक एक 3,400 इस फेडरल गवर्नमेंट पंजाब की प्रॉपर्टी, पंजाब की, पूरे पाकिस्तान, ये पंजाब की कह रहे हैं ना, पंजाब की ऑब्सेशन है, 2.5 सालों की बात कर रहा हूं, मैं पंजाबी हूं यार, आप नहीं हो, छोड़ो हुकूमत की ऑब्सेशन है,
बात यह है, मैं सिर्फ इनको पता है मुस्लिम लीग को हटाना मुश्किल है। अच्छा, इस तरह से आप मुकम्मल कर ले बात, यही वो बात है जो तरीकाकार गलत है, फिर आपका मेरा झगड़ा होता है। मेरी मेरी बात सिंपल यह है कि आपने ढाई साल में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कराई। हमने पंजाब गवर्नमेंट को कहा था कि हम जो पैसा वहां से लेंगे उसमें से आपको एडिशनल पैसा भी देने को तैयार है, इसलिए वो 80 अरब रुपए वापस नहीं आ रहे। दूसरी बात, उन्होंने कहा एक चीज तो तय होगी, तय हुई एक चीज तो क्लियर तय हुई। प्लीज नहीं, पंजाब का कश्मीर का या सिंध का नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, सुन तो नहीं, नहीं आपके पास जवाब नहीं है ना, देखना जवाब दूंगा। आप हर बात मुझे पहले देखिए, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बात कर रहे ना लोगों को, मुझे बात कर रहे हो कि ये आप कह रहे हैं 80 अरब रुपए इत्तेसलात के लिए नहीं आए कि प्राइवेट पंजाब में, ये बात ही नहीं करने देते, इंटरप्ट करते हैं बार-बार। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मेरा ये अभी नहीं खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि एमसीबी प्रॉफिटेबल हुआ, यूबीएल प्रॉफिटेबल हुआ, एसबीएल प्रॉफिटेबल हुआ। पाकिस्तान में जितने इदारों, आपने शुगर मिलों में डिसइन्वेस्टमेंट किया, शुगर कार्टेल बने, आपने सीमेंट इंडस्ट्री में डिसइन्वेस्ट किया, आपने कितने किए थे? प्लीज मुझे बोले नहीं, आपने कितने किए थे? आप तो ऐसे कर रहे हैं जिससे सारे हमने किए, आप अपनी 27 इदारे किए, आप अपनी बारी में बोलिए। सब ठहरिए ना, अब आप अगर करेंगे तो सब भी मुझे देख रहे हैं कि उनको, मेरा इशू सिंपल ये है कि सवाल कर बैठे हो ना बाबा, आप सुनो, एमसीबी ने, एचबीएल ने, यूबीएल ने बड़े पैसे बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इंटरेस्ट उतना दिया है जितना आप उनके पैसा डीवैल्यू हो रहा है उससे भी कम, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो कार्टेल अपना प्रॉफिट अवाम को नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, आमिर हाशमी साहब को नहीं दे रहा, वो डिपॉजिटर को पैसा नहीं दे रहा। इसमें इसमें सर देखिए, प्राइवेटाइजेशन पे, प्राइवेटाइजेशन पे प्राइवेटाइजेशन है, सक्सेस है तो आपको मुबारक हो। प्राइवेटाइजेशन पे हम आते हैं, मैंने सिर्फ इनसे पूछ लीजिएगा कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, अजीम लीडर ने कितने प्राइवेटाइज किए थे। चलिए अभी ये मैं प्रोग्राम अच्छा ठीक है, लेकिन अब इसका सोल्यूशन भी तो कोई निकलेगा ना हाशमी साहब, अब ये इस तरह से तो मसला चलता रहेगा। सोल्यूशन यही, जब डॉक्टर भी किसी का ऑपरेशन करता है या कुछ पहले डायग्नोज करता है ये हुआ क्यों, अब अगर उस पे हिस्ट्री पे जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि ये एयरलाइन का सक्सेसिव गवर्नमेंट ने क्यों ये हंटिंग ग्राउंड बना के किसी को नवाजना है तो वो पीआईए में डाल दे, चार आदमी है उसको डायरेक्टर या जनरल बिल्कुल सही, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने किए थे ये भी पूछ लीजिएगा। पिछले 25-30 साल में हमेशा सियासी अपॉइंटमेंट्स की गई पाकिस्तान इंटरनेशनल इंटेंशंस की बात कर रहे हैं, इंटेंशंस की बात, लोगों को सरबराह बनाया गया इस सब दौर अदवार में, और यही वजह है कि बिल्कुल आमिर सही कह रहे हैं कि ये प्रॉफिटेबल हो सकती थी मगर इसको मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बिना पर, इंटेंशन की बिना पर अपॉइंटमेंट करके हजारों की और चीफ एग्जीक्यूटिव को सियासी तौर पर अपॉइंटमेंट करके इसको एक्चुअली तबाह कर दिया ठीक है, लेकिन अभी भी इस मसले को बातचीत के जरिए से तय किया जा सकता है। और ये बिल्कुल हाशमी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा हाशमी साहब को मैं सेटिस्फाई शायद ना कर सकूं, लेकिन लेट्स मीट। डाउनफॉल उस दिन से शुरू हुआ जब नूर खान ने रिजाइन किया जियालक की इंटरवेंशन की वजह से, आए दिन इन्वॉल्वमेंट। हाशमी साहब अभी आपने कहा कि बात करने के लिए तैयार है तो वो ये चाह रहे कि बिल्कुल हाशमी साहब ये याद रखिए, पाकिस्तान में सियासतदान बड़े बुरे रहे, डिक्टेटरों ने मुड़क बड़ा बड़ा अच्छा चलाया है, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये सिर्फ हम ही कसूरवार थे। बहुत शुक्रिया। इवन वर्स्ट पॉलिटिकल सेटअप इज बेटर देन डिक्टेटर, एग्जैक्टली, ये सबसे बेहतरीन बात है, मगर अब आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जुबैर खान, जुबैर साहब भी कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो सुहेल बलोच साहब से भी इजाजत ले लेना, जिन्होंने वहां जाके डायलॉग किया हुआ है, जुबैर साहब ये तो अच्छा हो गया, बड़े I respect them. Okay. इनके आई हैव गॉट अ बैकग्राउंड विद देम, तो मैं हर एक के साथ बैठने को, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है कि पालपा के